हाँ जी फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, जिस तरह तुसी की कल एक आपा चैप्टर किया सी वर्णमाला, इसे तरह हुण बेटे अपना सैकिंड चैप्टर है लगा मात्रावां। तो बेटे ये लगा मात्रावां दा इसे तरह एक चार्ट आपकी नोटबुक के उपर तैयार करना, जिस दे तुसी सब तो पहला लिखना है लगा दे नाम, फिर तुसी सैकिंड कोलम बनाना है चिन्ह, तीसरा तुसी बनाना है उदाहरण। तो सब तो पहला बेटे की है मुक्ता, मुक्ता जिहड़ा हुंदा है ये चिन्ह रहित हुंदा है, जिवें आपां उदाहरण दे विच देखदे आ इसका कोई चिन्ह नहीं हुंदा, कोई लगा मात्रा इसनूं नहीं लगती, जिवें मम्मा टैंकर आरा मटर है, ये तीन अक्खर ने, जदों इन्हां तीन अक्खरां नूं जोड़ दिंदे आ तां मटर बन जांदा, इहदा प्रोपर अर्थ है। तो इस तरह आपां जिहड़ा मुक्ता है वह चिन्ह रहित हुंदा है। इस तरह बेटे अपना की है सैकिंड है कन्ना, तो बेटे आ कन्ना का चिन्ह है, तो जदों आपां कन्ना लिखते हाँ तो ओड़े उदों आड़े नूं कन्ना की आवाज़ आउंदी है, जिवें कार, चार, बाल, हार, इस तरह के आप वर्ड बना सकते हैं। इस तरह बेटे है सिहारी, सिहारी है जिहड़ी बेटे घट दबाओ वाली है, ईड़ी की आवाज़ आती है ये, तो अंग्रेजी के अक्षर आई की आवाज़ आती है, तो यह मतलब कि अक्षर के खब्बे पासे लगती है। जिवें आप देखते हैं हीरन, हीरन है, उस तो बाद की है जिल्द है। तो इस तरह आप देखते हैं बिहारी, जिहड़ी बिहारी है बेटे ये की हैगी है, बिहारी दे विच भी आपां नूं ईड़ी की आवाज़ है, तो इंग्लिश के अक्षर डबल ई की आवाज़ आती है, तो यह वध दबाओ वाली होंदी है जिहड़ी बिहारी है, जिवें वीर, खीर, तीर, इदां दे वर्ड है। इस तरह बेटे अपने कोल फोर्थ हैगा औंकड़, औंकड़ दे विच की है ऊड़े नूं औंकड़ की आवाज़ आऊगी, तो अंग्रेजी के अक्षर यू की आवाज़ आती है, जिवें आपां इत्थे अक्षर लिखा हैगा खुर, गुड़, गुण, सुण, इदां दे बेटे तुसीं बना सकते हो। इस तरह बेटे दुलैंकड़ है, जिद डबल ओ की आवाज़ आती है, दुलैंकड़ आपां नूं डबल ओ की आवाज़ आती है, जिवें ऊट है, सूरज है, सूट है, डमरू है। इस तरह बेटे अपने कोल की है लावां, लावां दे विच बेटे एक टेढ़ी लकीर हुंदी है, तो यह मतलब कि ईड़ी लावां ए की आवाज़ आती है, जिवें तुसीं लिख सकते हो तेल, रेल। तो बेटे इदां दे जिहड़े तुसीं कई वर्ड है बना सकते हो। इस तरह बेटे अपने कोल अगला हैगा दुलावां, दुलावां दे विच आड़े नूं दुलावां की आवाज़ आती है, जिथे आपां दुलावां पाउंदे आ, तो इस तरह ही बेटे ये दो टेढ़िया लकीर जिहड़ियां कि अक्खर के उपर आउंदियां ने, जिवें भैन, ऐनक। इस तरह बेटे अपने कोल अगला अक्षर है कोड़ा, कोड़े की आवाज़ आपां मतलब उदों आएगी जदों आपां ओ की आवाज़ में पछाण सकांगे, अंग्रेजी के अक्षर ओ की आवाज़ आती है, तो होड़े दे विच ऊड़े का मूँह खुलिया हुंदा है, जिवें जोत, वोट। इस तरह बेटे कनोड़ा, कनोड़ा आपां उत्थे वरदे हां जिथे आपां नूं अंग्रेजी के अक्षर ए ते यू की आवाज़ आती है, ओ, जिदे विच आपां औरत, ओख आदि लिख सकते हैं। ये सी बेटे तुहाडियां 10 लगा मात्रावां, जदों तुसीं इसनूं करोगे तुहानूं होर क्लीयर हो जाएगा। इस तरह इहदे नाल ही बेटे तीन लगाखर है, लगाखर दे विच आपां नूं तीन पता लगदे आ बिंदी, टिप्पी ते अदक। इस तरह बेटे जिहड़ी बिंदी है, बिंदी नक विच बोले जांदे आपां नूं शब्द प्रतीत हुंदे ने, ते बिंदी है जिहड़ी लगदी है कन्ने नाल भी लगदी है, बिहारी नाल भी लगदी है, लावां नाल, दुलावां नाल, होड़े नाल ते कनोड़े नाल भी बिंदी लगदी है, तो बिंदी दा एवें चिन्ह हुंदा है, एक डॉट हुंदी है, जिस तरह गां ते मां। इस तरह बेटे अपने कोलों नैक्सट हैगा टिप्पी, जिहड़ी टिप्पी हुंदी है, टिप्पी की वरतों भी जिहड़ी हैगी है नक विच बोले जांदे शब्दां की तरह प्रतीत हुंदी है, तो जिवें जिहड़ी टिप्पी हुंदी है ये लगदी है मुक्ते नाल भी, सिहारी नाल भी, औंकड़ नाल भी, दुलैंकड़ नाल भी। तो जिवें आपां उदाहरण विच देखदे हां अंब, मुंडा। इस तरह बेटे अपने कोलों लास्ट है अदक, तो कहिंदे अदक दा प्रयोग उत्थे हुंदा जदों आपां किसी अक्षर नूं दबा के बोलदे आ, पूरा स्ट्रेस दिंदे आ, तो आ अक्षर दा बेटे इस तरह चिन्ह बनिया होया, तो इहदे विच जिहड़ा अक्षर अदक लगदा हैगा वह लगदा मुक्ता नाल, सिहारी नाल, ते औंकड़ नाल, जिवें उदाहरण विच बस ते इट। इस तरह बेटे इहदे विचों ही तुहानूं मैं जिहड़े क्वेश्चन करवा रही हाँ, जिवें पंजाबी विच लगा दी गिनती किन्नी है, तो तुसीं लिखना पंजाबी विच लगा दी गिनती 10 है, पंजाबी विच लगाखर दी गिनती किन्नी है, तो पंजाबी विच लगाखर दी जिहड़ी गिनती है 3 है। इस तरह बेटे तुसीं अगला नैक्सट क्वेश्चन लिखना है सिहारी दी वरतों वाले कोई 3 शब्द लिखो, तुसीं अपने वालों भी बना सकते हो, इस इह इमारत, बिहारी दी वरतों वाले कोई 3 शब्द लिखने हैं बेटे, तुसीं इह तुसीं लिख सकते हो आपदे वालों भी, वीर, खीर, तीर। इस तरह अदक दी वरतों वाले कोई 3 शब्द लिखो, बस, इट, जत। तां बेटे ये तुसीं अपनी नोटबुक ते वधिया वधिया राइट करना है, ये मैं तुहाडा वर्क चैक करांगी। थैंक्स।